एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम घर पे ही अपना फेशियल कैसे करेंगे। फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम पार्लर नहीं जा पाते, हमें घर में इतना सारा काम हो जाता है जो हम अपना मंथली मतलब फेशियल है मिस कर देते हैं। तो मैं आपको अपने किचन में जो हमारी अवेलेबल चीज़ें हैं उसी से बताऊँगी कि हम घर पर अपना फेशियल कैसे करेंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फेशियल करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है अपने फेस को क्लीन करने के लिए एक आधा टमाटर, उसमें दो बूंद नींबू का रस। ये हमने टमाटो लिया है क्लीनिंग करने के लिए अपने फेस को। और फ्रेंड, उसके बाद हमें स्क्रब करना है। स्क्रब करने के लिए मैंने लिया चावल का आटा, उसमें हम ऐड करेंगे शहद। मैंने एक चम्मच शहद लिया है डाबर का। शहद हमारी स्किन को ग्लोइंग दिखाता है, इसलिए हमने शहद ऐड किया है स्क्रब करने के लिए। उसके बाद हमें फेस पैक रेडी करने के लिए, ये देखिए, मैंने आधा टमाटो लिया है, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसमें मिक्स करेंगे फ्रेंड हम चंदन पाउडर। देखिए, एक चम्मच मैं चंदन पाउडर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने सारी सामग्री रेडी कर ली है फेशियल करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फेशियल करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने फेस पे फेशियल करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें फेशियल करना है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, अपने बालों को जूड़ा बना लेंगे जिससे हमारा बाल आगे नहीं आए फेस के ऊपर। फ्रेंड, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है नॉर्मल पानी से। अब हमें पहला फर्स्ट स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में ये करना है, फिर जो मैंने ये टमाटर के ऊपर नींबू दो बूंद डाला था उसी से हमें अपने फेस को क्लीन करना है। देखिए, इस तरह से जो हमारी डेड स्किन है वो सारी बाहर निकल आएंगी। इस तरह से हम अपने पूरे फेस पे मसाज करेंगे। फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से हमारा फेशियल हो जाएगा, हमारा स्किन ग्लो करने लगेगा। फ्रेंड, आप घर पे इस तरह से एक बार फेशियल कर लीजिएगा तो पार्लर जाना भूल जाइएगा। मैंने फेस अपना क्लीन कर लिया अच्छे से। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों से हल्के हल्के थोड़ा मसाज करना है। इसे हमारा नींबू का जो रस है और टमाटर का वो सूख जाए। देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से मसाज कर लिया, मेरा फेस क्लीन हो गया है। देखिए, रेड स्किन पूरे दूर हो गए हैं, बाहर निकल आए हैं। अब मैं दूसरा स्टेप करूँगी फेशियल का। अब हमें करना है स्क्रब। जो मैंने चावल का आटा और शहद लिया था उसे हम मिक्स करके अपने फेस पे स्क्रब करेंगे। ठीक है, मैं इसे मिक्स करती हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ फ्रेंड, शहद हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है।
नोज़ के पास फ्रेंड ज़्यादा करेंगे, ये ब्लैक हेड वाइट बहुत ज़्यादा हमारे नोज़ के पास ही रहते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने स्क्रब कर लिया अच्छी तरह से, मेरे ब्लैक हेड वाइट हेड निकल गए हैं। अपना फेस नॉर्मल पानी से वॉश करके आती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, ये कितना सॉफ्ट लग रहा है स्क्रब करने के बाद। अब हम करेंगे तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में ये करना है फ्रेंड, जो हमने फेसपैक बनाया था चंदन का पाउडर से और टमाटो से, उसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए ये है हमारा फेस पैक, अभी से हम अप्लाई करेंगे फेस पे। ये गाना सुने हैं फ्रेंड आप, चंदन सा बदन तेरा। आज हम अपना फेस चंदन सा ही बनाएंगे। इसका स्मेल तो फ्रेंड इतना सुंदर है, चंदन का स्मेल तो आपको पता ही होगा कितना सुंदर रहता है। इसी तरह से आप फ्रेंड फेस पैक अप्लाई कर लीजिएगा। इस फेस पैक को फ्रेंड 20 मिनट तक रखना है अपने फेस पे। अब ये सूख जाएगा तो आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा। इसे हमें साबुन से या फेस वॉश से वॉश नहीं करना है। फ्रेंड मेरे फेस को इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा ठंडा रिलैक्स फील हो रहा है मेरे फेस को। फ्रेंड आप घर पे ये फेस पैक जरूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।